फ्रंट नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये बुकरम लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच लिया और गले की लंबाई हम 6 इंच ले लेंगे। 6 इंच आगे बढ़ाकर हम डिज़ाइन बनाने के लिए लेंगे। इधर से भी 2.5 इंच हम इस तरीके से टिक लगाकर चरखूट शेप में टिक लगा लेंगे। अब ऊपर की तरफ हम गोल शेप लगाएंगे। यहाँ पे जिस डिज़ाइन हमें चाहिए उस तरीके से टिक लगाएंगे। 1 या 1.5 इंच चौड़ा हम इस तरीके से टिक लगा लेंगे। अब गले को हम पहले कट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने डिज़ाइन का कट किया था उस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ से हम पूरा कट कर लेंगे। अब बचे हुए कपड़े को हम इस तरीके से लेकर उसके ऊपर रखेंगे और कपड़े को कट कर देंगे। अब हम पहले इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने गोरी को इस तरीके से मोड़ा है, उसके ऊपर सिलाई चला लिया है। अब बीच में जो जुड़ा हुआ था उसे हम कट कर देंगे। उसके बाद आगे वाले पल्ले को हम इस तरीके से लेकर बुकरम को ऊपर से रखकर यहाँ से साइड से सिलाई चलाएंगे। उसके बाद जो कपड़ा बचा है उसे हम कट कर लेंगे। अब बीच वाले में भी हम इस तरीके से कट करेंगे। अब हम बीच में कट लगा लेंगे। पूरे में हमें छोटा छोटा कट लगाना है। उसके बाद इस तरीके से हम इसे पलट देंगे। अब हमने ये डबल कपड़ा लिया है और सलवार के कपड़ा को लेकर इस तरीके से हम एक पोटली बनाएंगे। इस दोनों कपड़े के बीच में रखकर इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। पोटली को हमें अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। सूट के कपड़े का भी हम एक पोटली बनाएंगे और दोनों को एक एक करके इस तरीके से दे लेंगे। पूरे में हमने इस तरीके से दे लिया है। अब सूट के आगे वाले पल्ले को हम इस तरीके से रखकर पहले अंदर वाली कोरी को हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। अब इसके ऊपर रखकर यहाँ से हम सिलाई चलाना स्टार्ट करेंगे। इस पूरे डिज़ाइन पे हमें इस तरीके से सिलाई चला लेना है। अब गले पर भी हम इस तरीके से सिलाई चलाएंगे। उसके बाद बचे हुए कपड़े को हम इस तरीके से कट कर देंगे और इसके अंदर हम गले को हेम कर देंगे। ये हमारा सुंदर सा गला डिज़ाइन बनके तैयार है।